सागर नगर के कृषि उपज मंडी प्रांगण में स्वर्गीय श्रीमती यशोदा देवी राठौर की स्मृति में विधानसभा स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 128 टीमें भाग ले रही हैं। अपार सफलता के बाद आज फिर उस मैदान में 6/1/2018 को भव्य टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में हमारे मुख्य अतिथि माननीय गोपाल भार्गव जी जो आज हमारे अतिथि थे, लेकिन भावांतर योजना के कार्यक्रम के कारण वो नहीं आ सके, और आज के हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानी बुजुर्ग अतिथि यहाँ मंच पर हमारे उपस्थित हैं, जिन्होंने अपना आशीर्वाद भी हम लोगों को दिया है और खेल भावना को आगे बढ़ाते हुए हमारे मंच को सुशोभित भी कर रहे हैं। मैं सभी अतिथियों का हृदय से सम्मान करता हूं। शनिवार को क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ परमानंद पटेल द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक हरवंश सिंह राठौर ने कहा कि हमारी आयोजक समिति के सदस्यों ने दिन रात मेहनत करके इस ग्राउंड में चार चांद लगा दिए हैं। पिछली बार भी आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में खिलाड़ियों की टीम में उत्साहपूर्वक भाग लिया था। इस तरह के आयोजन से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। पहले दिन नहीं देखने को मिला रोमांचक मैच। पहला मैच ग्राम विनेका और बलायापुरा के बीच खेला गया। विनेका की टीम ने पहले ओवर में 26 रन बनाते हुए शानदार शुरुआत की। 142 रनों का शानदार स्कोर बनाया, जिसके जवाब में बलायापुरा की टीम सैकड़ा भर रन बनाने के पहले ही ढेर हो गई और विनेका की टीम ने मैच जीता। दूसरा मैच सेमरा रामचंद्र और खारमऊ के बीच खेला गया, जिसमें सेमरा रामचंद्र की टीम विजय रही। मैच की कमेंट्री राजेश यादव ने की। इस दौरान पूर्व जिला अध्यक्ष हरिराम सिंह, जाहर सिंह, मंगल सिंह दादा, मुरली लाल असाटी, कुलदीप राठौर, जनपद अध्यक्ष देव प्रशांत सिंह, उपाध्यक्ष रत्नेश सिंह, दीपक सरवरिया, विवेक मिश्रा, अनिरुद्ध सिंह पन्ना, शैलेंद्र बुंदेला, नितेश जैन, नैनधरा आदि उपस्थित थे। ये खबर हमें हमारे सागर के संवाददाता अरविंद मिश्रा द्वारा भेजी गई थी। आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज 360.com, खबरें अलग अंदाज में।